आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है और जो उसका मास है उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया जे.जे. थॉमसन के द्वारा। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से E/m रेशियो कैलकुलेट करा इलेक्ट्रॉन पर। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए उसने एक एपरेटस लिया जो कि दिखाया गया है डायग्राम में। इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब को लिया जाता है जब हमें कंडक्शन ऑफ गैसेस वो स्टडी करना, कि जो गैसेस हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं एट लो प्रेशर। वही एपरेटस लिया गया, पियर शेप्ड एपरेटस है। दो इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कैथोड है और एक एनोड। ये बात आपको पता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड के बीच में एक होल भी है, और इसके साथ साथ हमारे पास दो अरेंजमेंट और लगे हुए हैं इसमें। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए, और एक हमारे पास मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए। तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो क्या होता है, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जिन्हें हम कैथोड रेज कर कहते हैं। ये हमने पहले कर लिया था। ये कैथोड रेज जो कि इनविजिबल होती हैं, एनोड से निकलती हैं और सीधा स्ट्राइक करती हैं कहाँ पर? बी पर, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये कब है? जब ना तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और ना ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। उसके बाद हमने क्या करा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता ही, हमने कैथोड रेज में पढ़ा था। जब हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई किया तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया था। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसने पहले सीधा टकराना था, अब वो क्या हो गया, मुड़ गया। और कहाँ टकराया? ए स्पॉट पे। और यहाँ पर हमें मिलेगी एक चमक, हमें पता लगेगा यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, यहाँ पर कुछ टकरा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रीन आगे वाली लगी हुई है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, और ये बनी हुई है आपकी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड पे जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स या कोई सब एटॉमिक पार्टिकल टकराता है तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इससे पहले एक बात और बता दूं मैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टकराएंगे कहाँ पर? सी पर। ये देखिए, ये स्पॉट है सी, इधर ए स्पॉट था जब केवल क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर सी स्पॉट है जब कौन सा फील्ड है, केवल मैग्नेटिक फील्ड। अब जब दोनों को इकट्ठा अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर फोर्स फील कर रहा है, ऊपर की साइड को, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नीचे की तरफ फोर्स फील कर रहा है। हमें क्या करना है, इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड में से होता हुआ बिल्कुल सीधा कहाँ पर टकरा जाए, बी पर। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लेना है। और ये पाया गया कि
जो ई बाई एम है उसका जो रेशो है इस एक्सपेरिमेंट से वो है 1.76 इंटू 10^8 कूलाम पर ग्राम। ठीक है, और ये कैसे आया है? बाय मेजरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये रेशियो होगा ई बाई एम, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, इज इक्वल टू ई अपॉन एच स्क्वेयर इंटू आर। व्हाट इज ई? ई है आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एच क्या आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक यहां पर आया है आर। व्हाट इज आर? आर है आपका रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। आर ये देखिए, दोबारा देखिए जरा, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो आपका पास हुआ था जब मैग्नेटिक फील्ड में से, तो ये देखिए ये मूव कर गया इसकी तरफ, तो ये जो पाथ बनाएगा इस तरह से, जो पाथ बनाएगा इसका कितना रेडियस है वो क्या कहलाएगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस किस को, ई को, एच को और आर को, और इनका यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ई बाई एम, जो कि आता है कितना आपका 1.76 इंटू 10^8 कूलाम्ब पर ग्राम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं इनको जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, एक को, दो को, तीन को, चार को भी कर सकते हैं, जितनों को भी करेगी। उसके बाद इस ऑयल ड्रॉप पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और ये क्या करेगी? उस प्लेट की तरफ मूव करेगी जिस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इस दौरान आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखिए ऊपर को जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? इसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने की कोशिश करेगा? इसको ऊपर को ले जाने की कोशिश करेगा। तो आपने क्या करना है, इस तरह से बैलेंस क्रिएट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में, कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये स्टेशनरी हो जाए। स्टेशनरी का मतलब रुक जाए, मूव ना करे। देन नोइंग द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट एंड चार्ज ऑन द प्लेट्स, द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट कैन बी डिटरमाइंड। अगर आपको ऑयल ड्रॉपलेट का मास पता है, प्लेट के ऊपर आपको चार्ज पता है, तो आप यहाँ से ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन करने के बाद ये आया कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है उस पर जो भी चार्ज है उसका हमेशा ही कोई ना कोई मल्टीपल आया टोटल चार्ज। ठीक है, मान लो एक उदाहरण लेता हूँ मैं सिंपल सा, कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है आपका, मान लो ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, इस पर हमने चार्ज कैलकुलेट करा। ठीक है, मान लो ये आया आपका 10x। ठीक है, एक दूसरी ड्रॉपलेट पे कैलकुलेट करा, वो आया मान लो 15x। तो जो टोटल चार्ज आ रहा था ना वो हमेशा ही किसी एक वैल्यू का मल्टीपल आ रहा था, किसी एक वैल्यू का मल्टीपल। ठीक है, और जब ये x को कैलकुलेट किया गया भाई कितना चार्ज है, तो वो था आपका 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम। तो ये आपका मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें ये पता लगा कि आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। अब हम स्टडी करेंगे मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट को, जो ये बताएगा कि आपके इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। चलिए पहले इसके एपरेटस के बारे में कुछ जान लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो इसमें एटोमाइज़र,
एटोमाइज़र होता है किसी भी लिक्विड को स्प्रे करने के लिए, जो कि परफ्यूम में भी लगा होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला भाग होता है वो एटोमाइज़र होता है। एक आपको एक्सरे का सोर्स चाहिए, एक आपको टेलीस्कोप चाहिए, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो इस एपरेटस में क्या है ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एटोमाइज़र की हेल्प से हमने ऑयल को स्प्रे करना है सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट। यहाँ पर एक ये प्लेट है, इलेक्ट्रिक प्लेट है, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। इसमें देखिए एक होल दिखाई दे रहा है आपको। इस होल से क्या होगा, ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं ऑयल की, ये इलेक्ट्रिकल चैम्बर में जाएंगी। यहाँ पर इस इलेक्ट्रिकल चैम्बर में जो ऑयल ड्रॉप हैं उसको हम टेलीस्कोप से स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इन ऑयल ड्रॉपलेट्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो इस मदद से, तो टेलीस्कोप से देखने के बाद हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि उस ड्रॉपलेट का क्या मास है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरे का यूज़ करना है। एक्सरे को जब आप यूज़ करोगे तो इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो आयोनाइज हो जाएगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। हमने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको कैलकुलेट करा था, 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उस तरह से जे जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट करा था हमने, वहाँ से हमने चार्ज और मास का रेशियो निकाला था, वो था आपका 1.76 × 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। आप डिवाइड करो ई को ई बाई एम से, तो देखो ई की वैल्यू क्या है, 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब अपॉन ई बाई एम की क्या है, 1.76 × 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। ये कूलम्ब में ऊपर वाले, ठीक है, ई से कट गया ई, क्या रह गया आपका एम रह जाएगा, ऊपर आके एम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कूलम्ब से कट गया आपका कूलम्ब, ये ग्राम भी ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम, ओके, −28 ग्राम। यदि आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो वैल्यू आएगी आपकी 9.11 × 10⁻³⁹ किलोग्राम। तो यहाँ से डेफिनेशन आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब बेसिक, जो हर चीज़ में प्रेजेंट होता है, जिस पर कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और जिसका मास कितना है, 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम, या फिर 9.11 × 10⁻³⁹ किलो ग्राम। और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू भी आपको पता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का कितना मास है।